किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी का प्रदेश सरकार पर आरोप। किसान महापंचायत सहित 17 संगठनों की 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित विरोध रैली को सरकार कर रही है रोकने के लिए, सरकार अपना रही ओछे हथकंडे। किसान नेताओं को रैली में न जाने से रोकने के लिए भेज ले रही झूठे नोटिस का सहारा। किसान सरकार द्वारा जारी 3 अध्यादेशों को वापस लेने और MSP रेट की गारंटी का कानून बनाने को लेकर कर रहे रैली। हजारों किसानों की शिरकत करने से डरी सरकार, कर सकती है किसानों की गिरफ्तारियां। यदि किसान या लोगों ने गुस्से में कोई और कदम उठाया तो इसकी जिम्मेवारी सरकार पर हो। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश के 17 संगठनों के साथ 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र में एक जन रैली करने जा रही है। यह रैली केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 अध्यादेशों के खिलाफ है, जिसे किसान संगठन इन आदेशों को वापस लेने की मांग करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वे सरकार के इन 3 अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते इन्हें रद्द करने और वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को नहीं मान रही। उल्टा उनकी बात को उन समेत किसान नेताओं को नोटिस भेजकर रैली में हिस्सा न लेने की धमकी दे रही है। उनका कहना है, जब सरकार या कोई अन्य रैली करता है तो ठीक है, यदि किसान अपनी जायज मांग को मनवाने के लिए रैली की बात करता है तो उन्हें कोरोना का डर दिखाकर रैली रद्द करने को कहा जाता है, जो गलत है। उन्होंने कहा, वे डरने वाले नहीं, लेकिन उन्हें आशंका है कि सरकार उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तारी भी कर सकती है। उन्होंने किसानों को रैली में आने का न्योता देने के साथ सुझाव भी दिया, यदि किसी भी जगह हरियाणा पुलिस उन्हें जबरन रोकने का प्रयास करे तो वे वहीं धरने पर बैठ जाएं। देखिए, हम रैली कर रहे हैं 10 तारीख को, किसान महापंचायत और ये हरियाणा के 17 संगठन मिल के कर रहे हैं, जिसमें आढ़तियों का और मंडी मुनीमों का, मजदूरों का, और आज जो है उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से भी समर्थन मिल गया। सभी का ये साझा आंदोलन है और उसमें जो 3 अध्यादेश अभी सरकार ने जो लागू किए हैं, जो पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी हैं, जिससे अमेरिका का फायदा होगा और अंबानी अडानी जैसे बड़े लोगों के हाथ में पूरे देश का खदान चला जाएगा, जो कम से कम भाव पे खरीदेंगे और फिर पूरे देश को महंगे से महंगे भाव पर बेचेंगे, तो इससे ब्लैकमेलिंग हो सकती है, इससे किसान जो है वो बर्बाद होगा, क्योंकि जब MSP टूटेगा और मंडियां टूटेंगी तो फिर वर्ल्ड मार्केट के रेट पे भाव आएगा, जैसे मक्के का इस बार आया है, तो हिंदुस्तान का किसान अमेरिका जैसे देश के किसानों का मुकाबला नहीं कर सकता। WTO में चले गए हैं, तो 10 तारीख को हम रैली कर रहे हैं और उसी दिन सलाह मशवरा करने के बाद अगले आंदोलन की रूपरेखा वहाँ से तैयार की जाए। सरकार क्या कदम उठा रही है इसमें? देखिए, सरकार अभी तक तो सरकार ने हमारे दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया है कि आप रैली नहीं कर सकते हैं। आज ही प्रशासन ने ये कहा है कि आप रैली नहीं कर सकते हैं, एक और नोटिस देना जा रहे थे, मैंने उनको इनकार कर दिया कि मैं नोटिस ले लूँगा, आप ये नोटिस भी हमारे दरवाजे पर चिपकाया हो। तो सरकार जो है सख्ताई बरतने का हमें मूड नजर आया है, जो गिरफ्तार भी कर सकते हैं वो बैरिकेड लगा के रैली को रोक सकते हैं। किसान बिल्कुल अडिग हैं, अगर सरकार को इस तरह का कदम उठाती है, एक तरफ सरकार खुद तो रैलियाँ कर रही है, जब राजनीतिक पार्टियाँ खुद रैलियाँ कर रहे हैं, जब किसान का नाम आता है तो उसको कहते हैं कोविड है, अरे इसके अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? कोविड का फायदा उठा के किसानों को, कि जब डरे हुए हैं देशवासी इसलिए आंदोलन में नहीं आएंगे, इसका फायदा उठा के उन्होंने अध्यादेश जारी किए हैं। और अगर सरकार को इस तरह का कदम हमें गिरफ्तार करने का या लोगों को बैरिकेड लगा के रोकने का जैसा कदम उठाती है, और फिर लोग किसी तरह से अगर क्रोध में आके, अगर कोई गुस्से में आके कुछ और ऐसा लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, लोग कहीं रास्ता रोक देते हैं, लोग कोई और ऐसा जो राजनेता है उनको गाँव में घुसना बंद कर देते हैं, तो फिर ये जिम्मेवारी सरकार की खुद की होगी।